ए बी पी न्यूज़ के साथ है बाड़मेर एम एल ए मेवाराम पर जो आरोप लगाया है बलात्कार का वो पीड़िता ए बी पी न्यूज़ के साथ है अभी हाईकोर्ट पहुँची थी आपके साथ किस तरह से घटना हुई कैसे आपको किया जा रहा था घड़ी घटना होकर है प्यार अनुभव वाला है घड़ी घटना होकर ही कौन सालों योगी काम है उन लोगों बार बार पकड़े नुपाचा छोड़ा एनवाइज केस करे एनवाइज छोड़ो दो दो केस कर दिया मैं एक बेर कर दियो मन तो मैं अगर केस करना चाहूँ तो मानो पाच पकड़ ले उन नुन, उन उसके आंधी घूमते हैं मेरे प मैं उन्हों की करी कन पहुंची थोड़े पहुंची जाड़ो सबूतर साथ पहुंचे जाड़ो मारो के दर जो यो सबूतों अच्छा। के साथ आप पहुंचे क्या सबूत है आपके पास के उनकी कैसे आपकी मुलाकात हुई मेवराम से कैसे पहुंचे आप मेवराम मेवराम से तो मैं उसका कोई दोस्त था पहला वो आता था मेरे घर मतलब बस मैं मिला था मुझे मार पाप इलाज कराने जा रही थी तो तो मिला था मुझे तो उससे ना उस उसके थ्रू मेरे उसके मेवर से मुलाकात हुई फिर उसने बोला मेरे वीडियो बना बना दिए थे मतलब मतलब क्या इसके साथ भी संबंध तो से मतलब पाँच सालों से यही करता आ रहा है मेरे साथ तो और और भी भी पुलिस थी वो आपको जैसे मुलाकात कराई तो मेवराम कहाँ लेके जाता था आपको क्या किस तरह से मेरे को लेके जाता था मेरे घर पे ही आता था वो कहीं नहीं लेके जा उसका दोस्त लेके जाता था होटलों में बुलाता था फोन करके तू नहीं आएगी तेरे घर आएंगे

और उन्होंने करवाया उन्होंने डलवाया अंदर उन्होंने वो ही लिखलाया हमको बार वापिस उन्होंने एक और दोस्त थी सहेली थी और आपको नाबालिग थी उनके साथ क्या हुआ उसके साथ भी यही हुआ उसको तो पूरा ही डराया हुआ है उसको पता ही नहीं कहाँ है अभी मुझे खुद को मालूम नहीं है मैं ढूंढ रही हूँ उसको अगर मिल जाए तो अब दोनों को साथ में इंसाफ मिलेगा ये थी वो पीड़िता जिन्होंने बताया कि जिस तरह से ये उनके साथ घटना हुई पूरी कहानी बताई कितना दर्द है अब इनके अधिवक्ता से बात करेंगे अधिवक्ता यहाँ पे मौजूद है जिनसे अधिवक्ता पूछ बताई कि क्या कुछ रहा है। ऐसा है कि एक बाड़मेर का जो विधायक पूर्व विधायक है पंद्रह साल से इनका शारीरिक शोषण कर रहा है इनके घर में घुसकर जबरन इनके साथ बलात्कार किया इनके फोटो खींच लिए इनकी वीडियो वायरल करके करने की धमकी देकर लगातार ब्लैकमेलिंग करता रहा और इनका शारीरिक शोषण करता रहा और एक उनके जो साथ में था वो यहाँ से इनको धमका के डरा के लेके जाता था बाड़मेर होटल में रखता था और वहाँ पर इनका है जो शारीरिक शोषण चलता रहा ये बाई कास्ट एस से है मैं पहचान तो उजागर नहीं कर सकता नहीं मैं इसमें इसके समर्थन में हूँ एस टी से है, और दूसरी जो है वो भी माइनॉरिटी से आती है तो और इसकी बेटियों के साथ जो भी जिसने एफ दर्ज कराई इसकी दो बेटियाँ हैं नाबालिग बेटियाँ उनके साथ भी भारी छेड़छाड़ की गई उनके साथ भी उनका शारीरिक शोषण किया गया ये इनकी आँखों के सामने किया गया ये सारा पैसे की द्वस दिखाकर पावर की द्वंस दिखाकर कांग्रेस पार्टी जो पहले सत्ता में थी तो उस सत्तासीन पार्टी का वो विधायक है और उन्होंने ये लगातार शोषण किया और आज ये महिला अगर एक एक समय था जब महिला पुलिस थाने में एफ दर्ज करवाने के लिए जाती थी तो इसकी एफ दर्ज नहीं होती थी इसको भगा दिया जाता था और इस महिला को डरा के धमका के कई बार पुलिस वालों ने इसमें पुलिस वाले भी मुलजिम है टोटल नौ मुलजिमें बाड़मेर पुलिस अधिकारी गंगाराम खावा इसमें मुलजिम है बाड़मेर पुलिस व्रत्ताधिकारी जो है आनंद सिंह वो भी इसमें मुलजिम हैं और ये लोग जाते थे डरा धमका के इनसे कई खाली कागजों पर साइन करवाए हैं इनके खिलाफ कई झूठी मामले झूठे मामले दर्ज करवाए हैं कि हमारे को ये ब्लैकमेल करी जबकि वास्तविक व्यक्ति में इनके इनका जो शारीरिक शोषण हुआ है तो मेरा पुलिस से भी निवेदन है और सरकार से भी आग्रह है कि जल्द से जल्द मुलजिमों की गिरफ्तारी की जाए अभी जो कुछ दस एक दिन का कोर्ट ने डेट दी है उसके बाद जल्द से जल्द सारे मुलजिमों की गिरफ्तारी होनी से ही दे इन्होंने क्या क्या सबूत में दिए हैं कुछ फोटोग्राफ्स वीडियो फोटोग्राफ़ है इनके पास फ़ोटो उन्होंने ही खींचे थे और फिर जब ये तंग हो गए जब इनकी एक वक्त ये हालत हो गई थी कि इनको लगा अब तो मरना पड़ेगा मरने का लगा कोई चारा नहीं बचा क्योंकि बार बार शारीरिक शोषण घर में घुसकर जबरन घर में घुस करे जो इनके साथ रेप करते थे तब इन्होंने मजबूरी में सहलियाना वगैरह मिलकर के एक वीडियो बनाया और वो वीडियो है सारा पुलिस को भी दिया है फोटोग्राफ पुलिस को भी दिए हैं और जरूरत पड़ी सारे सबूत पुलिस को प्रोवाइड करेंगे और इन्वेस्टिगेशन हम भी सहयोग करेंगे एबीपी न्यूज से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत सबसे बड़ी बात बता कि पश्चिमी राजस्थान में एक बार फिर भंवरी के बाद कांग्रेस पार्टी के एक पूर्व विधायक के ऊपर मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है क्योंकि बाड़मेर के पूर्व विधायक पूर मेवराम जैन पर एक महिला ने पॉक्सो और बलात्कार के मामला दर्ज कराया जोधपुर से करणपुरी एबीपी न्यूज